नमस्कार, टीवी वन इंडिया की खास प्रोग्राम खबर दिनभर में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं आज के दिनभर की खबरें। आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही एक नया कानून बना सकती है जो एमएसएमई क्षेत्र को सुरक्षा की गारंटी देगा। इस कानून के लागू होने के बाद कंपनियों को एमएसएमई का बकाया 45 दिनों के अंदर भुगतान करना ही होगा। अखिल भारतीय उद्योग संघ को संबोधित करते हुए केंद्रीय सूक्ष्म और लघु उद्योग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार बिक्री के 45 दिनों के भीतर एमएसएमई के बकाये को चुकाने के लिए कानून लाएगी जिससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अनिवार्य रूप से पैसा चुकाना ही होगा। उन्होंने कहा कि एमएसएमई लंबे समय से भुगतान में देरी की समस्या से जूझ रहा है जिसके कारण कई छोटी इकाइयाँ बंद भी पड़ी हैं। इसके समाधान के लिए कानून लाना आवश्यक हो गया है। And we know that there are some problem you are facing. This emergency credit line loan for MSMEs, operationalized of rupees 3 lakh crore collateral free loan scheme. किसान संगठनों के साथ जारी वार्ता के 10वें दौर में सरकार ने किसानों के सामने एक बार फिर नया प्रस्ताव रखा है। सरकार ने किसानों से कहा कि हम एक समिति बनाएंगे जिसमें सरकार और किसान दोनों के प्रतिनिधि समान रूप से मौजूद होंगे और उन्हें कानून पर समाधान निकालने के लिए एक तय समय दिया जाएगा। तब तक सरकार इन कानूनों को स्थगित करके रखेगी। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि इस वक्त करीब 500 किसान संगठन आंदोलन कर रहे हैं। हम सभी से बात करके 22 तारीख को सरकार के साथ होने वाली वार्ता में अपना जवाब देंगे। वहीं कृषि मंत्री ने कहा कि किसान हमारा प्रस्ताव मान लेते हैं तो खुले मन से समिति में बातचीत हो पाएगी। हमने विस्तार पूर्वक उन्हें कहा कि कानूनों पर विचार करना है और आंदोलन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर विचार करना है तो निश्चित रूप से समय तो चाहिए और समय चाहिए तो वो समय 6 महीने का भी हो सकता है, 1 साल का भी हो सकता है, 1.5 साल का भी हो सकता है। और सरकार 1-1.5 साल तक भी कानून के क्रियान्वयन को स्थगित करने के लिए सहमत है। इस दौरान किसान और सरकार के प्रतिनिधि मिलकर समस्याओं का हल खोजें और जो समाधान हो उस समाधान को आगे बढ़ाया जाए। देश में जल्द ही कोरोना वैक्सीन का दूसरा चरण शुरू हो सकता है। इस चरण में देश के सभी 50 साल के ऊपर के लोगों को वैक्सीन देने की तैयारी की जा रही है। यदि ऐसा होता है तो देश के पीएम से लेकर राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को भी इसी चरण में वैक्सीन लग सकती है। बता दें कि फिलहाल देश में कोरोना वैक्सीन का पहला चरण चल रहा है। अब तक करीब 8 लाख लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू करते समय पीएम मोदी ने कहा था कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, दूसरे फेज में सभी का वैक्सीनेशन करा दिया जाएगा जो भी 50 साल से ऊपर है। इसी के अनुसार अब ये सभी सांसद और विधायक जिनकी उम्र 50 साल से ऊपर है उनको दूसरे चरण में कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। कांग्रेस पार्टी में आने वाले समय में एक बार चमत्कार देखने को मिल सकता है। जादूगर को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। दरअसल खबर आ रही है कि राहुल गांधी अभी भी पार्टी के अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में पार्टी के नेता राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को अध्यक्ष बना सकते हैं। अशोक गहलोत गांधी परिवार के जांचे परखे वफादार सैनिक हैं। ऐसे में उन्हें गद्दी देने पर गांधी परिवार को भी ऐतराज नहीं है, इसीलिए अशोक गहलोत को दिल्ली तलब किया गया है। बता दें कि सोनिया गांधी लंबे समय से पार्टी की अस्थायी अध्यक्ष हैं। ऐसे में पार्टी एक स्थायी अध्यक्ष की खोज कर रही है जो शायद अशोक गहलोत पर जाकर रुकेगी। वैसे अशोक गहलोत के फैसले का इंतजार पार्टी के साथ ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट को भी रहेगा। भारतीय शेयर बाजार ने गुरुवार को इतिहास रच दिया। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के सेंसेक्स में पहली बार 50,000 का आंकड़ा पार किया। गुरुवार को जब शेयर बाजार खुला तो सेंसेक्स 50,000 के पार और निफ्टी 14,730 पर था। बता दें कि इस बढ़त का श्रेय अमेरिका के नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेन को दिया जा रहा है। अमेरिका में जो बाइडेन ने बुधवार को 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। इसी के साथ अमेरिका में बाइडेन युग की शुरुआत हो गई। इस सत्ता परिवर्तन पर दुनिया भर की नज़र थी। बाइडेन ने आते ही ट्रंप की कई नीतियों को पलट दिया और ऐतिहासिक कदम उठाए, इससे भारतीय निवेशक गदगद हैं। आज सेंसेक्स 304 अंकों की तेजी के साथ 50,096.57 पर खुला। इसी तरह नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने निफ्टी 86 अंकों की तेजी के साथ 14,730.95 पर खुला।
गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ लोहा लेते शहीद हुए भारतीय सैनिकों को गणतंत्र दिवस के अवसर पर वीरता पुरस्कारों से सम्मानित किया जा सकता है। बता दें कि 15 जून की रात चीनी सेना से लोहा लेते हुए भारत के 20 जवान शहीद हो गए थे। जहां भारत अपने सैनिकों को सम्मानित करने जा रहा है, वहीं चीन ने अब तक अपने सैनिकों की शहादत तक स्वीकार नहीं की है। गौरतलब है कि मई में चीनी सेना ने भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण किया था, जिसके बाद भारत ने अपनी सेना सीमा पर तैनात की थी, जहां बातचीत के बावजूद चीनी सैनिक वापस नहीं लौट रहे थे, जिसके बाद चीनी सैनिकों और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे। डेमोक्रेटिक नेता जो बाइडेन ने बुधवार को अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने देश की पहली महिला उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों को रोकने के लिए कैपिटल बिल्डिंग के आसपास हजारों सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए थे। 2 सप्ताह पहले ट्रंप के समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग में हिंसक उत्पात मचाया था। बाइडेन के साथ ही कमला हैरिस ने भी अमेरिका की पहली महिला अश्वेत उपराष्ट्रपति के तौर पर शपथ ली। बाइडेन ने शपथ लेते ही डोनाल्ड ट्रंप के कई फैसलों को बदल दिया। बाइडेन ने सबसे पहले पेरिस समझौते में एक बार फिर शामिल होने का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के सुदूर इलाके में अर्धसैनिक बल के वाहन के निकट एक बम विस्फोट होने से 11 सैनिक घायल हो गए। यह विस्फोट सीबी जिले के फ्रंटियर कोर के गश्त वाहन के निकट बुधवार को हुआ। घायलों में 4 की हालत गंभीर है। अभी किसी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन बलोच अलगाववादी समूह पूर्व में इस प्रकार के हमलों को अंजाम दे चुके हैं, इसलिए उन्हीं पर शक जताया जा रहा है। महाराष्ट्र की गोंदिया में 27 जनवरी से कक्षा 5वीं से लेकर 8वीं के स्कूल खुल सकते हैं। शिक्षा मंत्री की घोषणा के बाद निजी स्कूल शुरू करने के लिए गतिविधियां तेज हो गई हैं। इसी में 27 जनवरी को स्कूल शुरू करने का शासन से पत्र शिक्षा विभाग को प्राप्त हुआ। बता दें कि जिले के 1664 स्कूलों में 9,929 शिक्षक कार्यरत हैं। स्कूल शुरू होने से पूर्व शिक्षकों की कोरोना टेस्ट करने की तैयारी में शिक्षा विभाग जुट गया है। इसके लिए तहसील चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से तहसील स्तर पर टेस्टिंग की जाएगी। तहसील से नमूने इकट्ठा कर जांच के लिए गोंदिया मेडिकल कॉलेज भेजे जाएंगे, जिसकी रिपोर्ट 2 दिन में आने की संभावना है। यदि कोई शिक्षक कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उसका इलाज करवाकर जब तक निगेटिव नहीं आता है तब तक उसे विद्यालय में जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। बेलापुर की बीजेपी विधायक मंदा मात्रे के जन्मदिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हल्दी कुमकुम का आयोजन किया गया, जहां मंझे हुए कलाकारों के साथ ही गृहणियों ने भी हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम का आयोजन बीजेपी के युवा नेता पांडुरंग आमरे ने किया था, जहां संगीत के साथ डांस और फैशन शो भी आयोजित किया गया। इस अवसर पर मंदा मात्रे ने कहा कि मेरे जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, इसके साथ ही मेरी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ गई हैं। कार्यकर्ताओं के अनेक काम होते हैं जिन्हें करके ही लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है। वहीं इस अवसर पर बीजेपी के युवा नेता और कार्यक्रम के आयोजक पांडुरंग आमले ने कहा कि सभागार में उपस्थित भीड़ बता रही है कि लोग मंदा मात्रे को कितना प्यार करते हैं। मंदा मात्रे के कार्यों के कारण ही यहां लोग जमा हुए हैं। का एहसास हो रहा है कि पांडुरंग आमले ने इतना बड़ा प्रोग्राम लेके आज इतने लोगों को बुलाया, इनके काम होते वो काम करने की जिम्मेदारी मेरी बढ़ गई है और पांडुरंग आमले जैसे लोगों को समाज सेवकों को मैं धन्यवाद देती हूँ कि समाज में समाज सेवा कभी भी मत छोड़ो। टिकट मिले नहीं मिले मगर काम करते रहो। इतनी बड़ी संख्या में लगातार 4 दिन 5 दिन 1 हफ्ते तक कार्यक्रम चले हैं, आपको क्या साक्षी क्या कहें? नहीं, ऐसे कार्यकर्ता पांडुरंग आमले जैसे होते हैं तो समाज में लोगों को एक साथ जोड़ के आपने देखा कितनी महिला स्टेज पर कार्यक्रम कर रही है, उनका आत्मविश्वास जगाने का काम पांडुरंग आमले ने किया। मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए इतनी महिला ही आई हुई है, ये सब ताई का जो काम है, ताई ने आज तक हमारे प्रभाग में हमारे बेलापुर विधानसभा में जो भी काम किया है उसका ये नतीजा है। आज इतने स्वरूप में, इतने बड़े स्वरूप में महिलाएं यहाँ पे आई हुई है, वो सब ताई के काम के वजह से आई हुई है और ये सब ताई के ऊपर जो भी प्यार है वो आज सब। आज के बुलेटिन में बस इतना ही, मिलते हैं फिर आपको नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।